जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज शुरुआत में संपन्न हुई। आपको बता दें कि ईद पूरे देश में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल फितर के पावन मौके पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। गोरखपुर में मस्जिदों में अमन चैन की दुआ के साथ ईद पर नमाज अदा की गई। एक माह तक पाक रमजान के माह में जुमा पर अलविदा की नमाज अदा की गई थी। शनिवार को मुस्लिम भाइयों ने देश दुनिया में शांति की कामना के साथ शहर की मस्जिदों में नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक पर्व पर ईद की मुबारक भी दी। इस दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए आला अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मुस्तैद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नमाजियों ने कहा, को ईद मुबारक हो और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरे रमज़ान की हम लोगों ने इबादत की है और आज जो है ईद का दिन यानी खुशी का दिन है, मुसरत व शादमानी का दिन है, इसलिए आज हम लोग सब लोग मिलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, एक जगह इकट्ठा हो करके नमाज पढ़ने के बाद हम लोग मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, गले मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं और आज के दिन नए नए कपड़े पहनते हैं जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर है अच्छे से अच्छा कपड़ा और नहीं है नया कपड़ा तो पुराने कपड़े साफ़ सुथरा पहन करके ईदगाह की तरफ आते हैं और अच्छा से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन आज के दिन खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है और गरीबों में तकसीम किया जाता है, हर तरह से उनकी मदद की जाती है। आज के दिन भारत में जो स्थितियां हैं उसके लिए क्या जो मांगा आप लोगों ने? हाँ, अमन के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए और पूरे ख़ास करके यूपी के लिए और इंडिया के लिए, भारत के लिए हम लोगों ने दुआ की है अमन व सलामती के लिए, ताकि जो है यहाँ के जो मुसलमान, जो पब्लिक, जो इंसान हैं वो खुश रहें, अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारें और शरीयत मुतहरा पे चल करके अपनी ज़िंदगी गुजारें। नाम और पता? मेरा नाम मोहम्मद अमीरुल हक। आज का पर्व मनाया गया, समाज आप पढ़िए, क्या मैं यही मांगा हूँ कि देश में अमल और शांति रहे। अब क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सब लोग मिल बांट के रहे और आज के दिन कुछ स्पेशल बनाया जाता है। जी, जी आज के दिन जैसे सेवे बनाया जाता है, दहीबा बनाया जाता है, छोले बनाए जाते हैं, लोग आते हैं, मिलने आते हैं, ईदी मिलती है। जी क्या नाम आपका? अवश्य आज 30 दिन का रोजा रख के ये ईद की नमाज पढ़ते हैं। क्या दुआ मांगी है आपने आज? हमने यही मांगा है कि इस मुल्क में अमन शांति बने रहे, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बना रहे और जितनी परेशानियां जो चल रही है वो सब दूर रहे और लोग सही राह चले, बच्चे सब पढ़ाई दुनिया में दोनों में हासिल पाए।